गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। टाइम इज मनी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। टाइम आपने पता ही कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए टाइम के बारे में जानते हैं, समय के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी बातों को जानेंगे इसके बारे में हम लोग। समय ही धन है, टाइम का और पावरफुल होता है, एक बार जो समय चला जाता है फिर वो कभी वापस नहीं आता। चलिए जानते हैं आगे इसके बारे में। टाइम की बात करें स्टूडेंट्स, तो समय एक सीमित संसाधन है। यूं समझेंगे कि हमें कोई वर्क करना है एक समय अनुसार, तो समय तो अपने गति से चलते रहता है, समय किसी को नहीं रुकता। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और अगर हम किसी काम को किसी समय के अनुसार फिक्स किए हुए हैं यथासंभव, अगर उस समय वो काम को ना किया जाए तो क्या वह समय हमारे लिए प्रतीक्षा करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि टाइम इज अ फाइनाइट रिसोर्स। चलो आगे बात करें स्टूडेंट्स टाइम की, तो इनके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कार्य कुशलता की रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए। हाउ टू यूज टाइम, समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें स्किल चाहिए। स्किल को डेवलप करना, और ये जो स्किल है काफी क्रिटिकल। यहां पे बात करें थोड़ा सा और, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह स्टूडेंट्स की अगर नियमित रूप से अगर हमारा कोई टास्क है, कोई वर्क है, उसको हम फिक्स किए, अगर यथासंभव किसी कारणवश हम चूक जाते हैं तो निश्चित रूप से क्या रिजल्ट आएगा? फेल, आप फेल हो जाए। हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, आप इनको वीकली डिवाइड कर सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सोच के चले कि जो वर्क समय के अनुसार नहीं होगा, जो काम समय के अनुसार नहीं होगा, उससे क्या स्थिति होगा? कुछ नहीं, नो रिजल्ट। आप अपने प्लान को वीकली, मंथली, डेली बांट सकते इस तरीके से, डेली, वीकली और मंथली। इसके लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, आपको तौर तरीका आना चाहिए। आपने अपने
टास्क को स्ट्रिक्टली और इन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए कुछ बेटर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए। बेटर टाइम मैनेजमेंट कैसे? मान लीजिए कोई डिफिकल्ट टास्क है, इफ वी हैव लुकिंग यू कैन सीमिंगली very difficult task, what should you do next? You should manipulate this, you can categorize this into sub-task. छोटे छोटे टास्क में इनको बांट दे, तो जो यथासंभव जो डिफिकल्ट टास्क होगा समय के अनुसार टाइम दे, छोटे छोटे टास्क बांटे के पहले ये कर लेते फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये, तो जो नहीं होने वाला भी टास्क है वो खत्म होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्किल अपने अंदर से डेवलप करना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते हैं उनके साथ खुद दुरुपयोग हो जाता है, तो हमेशा समय का सदुपयोग करें। आपको जिस हिसाब से लगता है कि हाँ मैं ये टाइम मैनेज कर सकता हूं, ये काम इस तरीके से कर सकता हूं, इस टाइम पे यही काम होना चाहिए, तो एक रूटीन होना चाहिए बेटर अकॉर्डिंग टू योर टाइम। अगर आप टाइम को समझोगे टाइम आपको समझेगा और आप बेहतर बन सकते हैं। आगे बात करें सब टास्क में चेंज किया, थोड़ा सा टास्क के बीच में ब्रेक किया जाए, मतलब गैप दिया जाए, छोटे छोटे अंतराल पे आप टास्क करें, लगातार टास्क ना करें, लगातार टास्क ना करें, जिससे हरासमेंट हो सकता है, माइंड प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप पास नहीं कर पाओगे। टाइम दोगे, गैप दोगे टास्क के बीच में, आप रिफ्रेश हो, आप बेटर कंसंट्रेशन के साथ वर्क कर सकते। और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स जो डेवलप करना पड़ते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेटर टाइम मैनेजमेंट थे, और बहुत इनके अलावा है थिंकिंग स्किल अच्छी है तो आप इनसे भी और बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस वर्क को आप कितना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन सा बेटर। सपोज करते हैं यहां पे कुछ वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, तो सबसे पहले इनको करें क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी करना है एट ए टाइम। आगे इसी में मान लेते हैं कोई टास्क इंपॉर्टेंट हो बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट ना, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं लेकिन इसको पोस्टपोन ना करें। लंबे समय तक यथासंभव उसको खत्म करने का कोशिश करें। कुछ और बात करें इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट।
तो आप इसको बिल्कुल ना करें, जहां पर जरूरत हो समय का वहां पर उसका उपयोग करें। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेटर टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं जाना, बस एक चीज कहूंगा थिंकिंग स्किल आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट बनाती है बेहतर, और आज के समय में सदुपयोग करना समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम समय किसी का इंतजार नहीं करता। सपोज कीजिए आज 2 जून है 2020, आज हमने जो वर्क करना है हमने करना है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है, आज हमने वर्क करना है। तो पहले से प्री प्लान रहा है कि कल ये करना है, इस समय पे इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने करना है, फिर ये करना होगा इस तरीके से। तो पहले से प्री प्लान रहा है, छोटे छोटे टास्क में बांटे, इंटरवल गैप दे, रिफ्रेश हो, इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी दे, जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़े ना। अगर आप आज के एंड में ऐसा नहीं करते हो तो बस यही समझो कि जो 2 जून है, आज जो 2 जून है, एक बार आपके लाइफ से चला गया तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, अगर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर पर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे आपने बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।